बता नहीं सकती, बहुत खुश हूँ। तो ये हमेशा मेरे साथ होता है, एक वीडियो बनाने के लिए उसके पीछे बहुत मेहनत होती है, कंटेंट क्रिएट करना, प्रोडक्ट्स को अरेंज करना, पूरा पूरा दिन वीडियो शूट में निकल जाता है। ये सब करने के बाद तब अच्छा लगता है जब इस वीडियो को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि आपको मेरा जो काम है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो यही सपोर्ट आप हमेशा मुझे करते रहिए और बहुत सारा प्यार देते रहिए। पीछे के वॉल पे मेरे पास ये फ्रेम्स लगी हुई है, 3 फ्रेम्स है, उसको मैं निकालने वाली हूँ और इसके जगह पे मैं कुछ फेस्टिव टच दूँगी। तो ये मेरे पास एक ग्रीन मैट था, ग्रीन मैट मैंने लगाया है और उसके आजू बाजू में जो है वो मैंने येलो गजरे लगाए हैं जो ऑलरेडी मेरे थीम में आपने देखा होगा। पे नॉर्मल टेबल रनर के जगह पे मैंने ये नया प्रोडक्ट बनाया है, ये भी मेरा अपना ही प्रोडक्ट है। आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं आपके डाइनिंग टेबल के अकॉर्डिंग, आप इसको सेंटर टेबल पे भी यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली इसको हम फ्लोरल टेबल रनर बोलते हैं और काफ़ी सुंदर लगता है ये, मतलब जब रात को इसके ऊपर कैंडल्स लगती है तो इसका लुक बहुत ही सुंदर आता है। ये जो आप गणेश हैंगिंग देख रहे हैं ये भी मेरा अपना प्रोडक्ट है और इसके बाजू में जो मैंने ये हैंगिंग्स लगाए हुए हैं लोटस हैंगिंग्स, इसको भी आप परचेस कर सकते हो DIY श्वेता सिंह पे। मेरा जो लिविंग रूम है वो
सोफा के उस साइड का डेकोरेशन मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किया था। सोफा के पीछे ये विंडो है जिसको डेकोर करने के लिए मैंने यूज किए हैं ये वाइट शेयर कर्टन्स, और ये केज हैंगिंग्स मैंने यहाँ पे लगाए हैं। तो ये भी मेरा अपना ही प्रोडक्ट है। सेट ऑफ टू केज हैंगिंग्स आपको मिलते हैं सिर्फ 350 रुपीज में, जिसकी मार्केट कॉस्ट है 600 to 700 के रेंज में। और मैंने विंडो के कॉर्नर से ये स्नो लाइट्स लगाई हुई है जिसका लुक बहुत ही सुंदर आता है। ये कर्टन्स मैंने मीशो से परचेस किए थे और कोड मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। इस विंडो पे एक्चुअली दूसरे कर्टन्स होते हैं। व्हाइट कर्टन रखने का रीजन ये है कि दिवाली है और घर में जितना उजाला हो, जितनी रोशनी हो, उतना ही अच्छा होता है। तो ट्राई कीजिए दिवाली के टाइम पे आपके जो ब्लैकआउट कर्टन्स है उसको हटा के आप जो ब्राइट कलर्स के कर्टन्स है या जो ऐसे जिसमें से उजाला आता है, जिसमें से रोशनी आती है, ऐसे कर्टन्स अपने घर पे लगाएं। लोगों का अक्सर ये क्वेश्चन होता है कि दरवाजे के सामने वाली दीवार पे क्या लगाना चाहिए। तो ये मेरे दरवाजे के सामने की दीवार है, आज मैं आप लोगों को इसको डेकोर करके दिखाऊंगी। बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने रखे हुए हैं। जब हम घर को डेकोर करते हैं तो आपको बहुत सोच समझ के प्रोडक्ट्स परचेस करने होते हैं, और स्पेशली जब बात आती है दरवाजे के सामने वाले दीवार की, दो चीजों को आपको अवॉइड करना है। सबसे पहले आता है मिरर। मिरर को आपको दरवाजे के सामने बिल्कुल भी नहीं लगाना है। और दूसरा है वॉच। जी हाँ, घड़ी अगर आपके दरवाजे से दिखती है, मतलब दरवाजे से जो भी लोग आते जाते हैं, भले वो कुरियर वाले हो, भले वो गेस्ट हो, तो उनको घड़ी या आपकी जो वॉच है वो बिल्कुल भी नहीं दिखनी चाहिए। तो अगर आपके दरवाजे से आपकी घड़ी दिख रही है, वॉच दिख रही है, तो आप आज ही उसको हटा दीजिए। मेरा स्टाइल अपने घर को डेकोरेट करने का। आई एम श्योर इन वीडियो से आपको भी आइडियाज मिल जाती है और उन आइडियाज को आप यूज कर सकते हैं अपने घर को डेकोरेट करने के लिए। आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो जल्दी से एक लाइक दे दीजिए, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। फेस्टिव डेकोर प्रोडक्ट्स को बुक करने के लिए मैं आप लोगों के साथ कैटलॉग शेयर कर रही हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में प्राइस कितनी है, ये प्रोडक्ट कितना है, इसकी साइज कितनी है, बिल्कुल भी मत पूछिए, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स आते हैं, इतने सारे मैसेजेस आते हैं, हर किसी को रिप्लाई देना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है।
तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों के साथ कैटलॉग शेयर कर रही हूँ और वो डायरेक्टली कनेक्ट होगा मेरे व्हाट्सअप बिजनेस नंबर से। तो आप प्लीज उस नंबर पे जरूर कॉन्टेक्ट करें और जल्दी से अपने प्रोडक्ट्स को बुक करें। फिर मिलूंगी और एक नए फेस्टिव डेकोर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बंद कर। नहीं। और ये जो हमारी दीदी है ना, इनकी वजह से मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई हूँ, क्योंकि मैं जब शूट कर रही थी तो इनका ना किचन में से बहुत ज्यादा आवाज कर रही थी, टाक टाक। दीदी ऐसे मत कीजिए, मैं जब शूट करती हूँ तो मुझे पूरा साइलेंस चाहिए होता है, पंखा तक नहीं चलता है, पता है आपको।